अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन खुद भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे जो कुछ भी अब हो चुका है, यानी रुखसाना बेगम जो कुछ उल्टा वार चल रही थी लेकिन उन पे ही वो सब कुछ वार आके गिर चुके हैं, जिसके बाद इशर के वालिद अपने आप को सेफ रखने के लिए नसीम को भी फ़ोन करेंगे और उससे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें गाड़ी भेज रहा हूँ, कुछ देर में अपना फ्लैट सामान बोरे बिस्तरा बांधो और यहाँ तुम कहीं दूर चली जाओ। यानी वही अचानक वहाँ पर जुनेद भी आ जाएगा। जुनेद और इशर पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि असल खानी है क्या, यानी इशर यही सोच रही है कि उसके वाले सच कह रहे हैं या फिर रुखसाना बेगम उसकी ताई अम्मी सच कह रही हैं। दोनों बड़ी कश्मकश में आ गए इशल और जुनेद और तहकीकात पूरी पूरी कर रहे हैं। जब जुनेद वहाँ पर जाएगा नसीम आंटी के घर पे उनसे मालूम करने के लिए, तो वो फ़ोन पे बात कर रही होंगी इशल के वालिद से और वो यही कहेंगी कि मैं रुखसाना नहीं हूँ जो आपकी धमकियों में आ जाऊँ, लेकिन इशल के वालिद उनको कोई ना कोई बड़ी ऑफर करवाएंगे जिसकी वजह से मजबूरी में उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशर की वालदा भी बड़ी परेशान सी हो गई हैं। वो यही सोच रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और असल कहानी, असल हकीकत, असल सच है क्या जो कुछ छुपाया जा रहा है। यानी वो इशर के वालिद से बात करती हैं, जिसके बाद इशर के वालिद यही कहेंगे कि इशर हमारी बेटी है और जुनेद हमारे घर का दामाद है, जिसके बाद इशर के वालदा यही कहेंगी तो फिर फरीद क्या है हमारा, फरीद किस नाते से हमारे इस तरह से हो रहा है, आप इतना क्यों उसको कर रहे हैं, जिसके बाद यही कहेंगे इशर के वालिद वो मेरा भतीजा है। लेकिन इशर की वालदा जो है वो एकदम फौरन बोलेंगी कि भतीजा नहीं, सच बोलें कि आपका वो बेटा है। ये बात सुन के इशर के वालिद के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उन्हें खावर के एकदम हैरान परेशान से होकर वो देखने लग जाएगा, क्योंकि सच यही है फरीद जो है वो इशर के वालिद का ही बेनी खावर का ही बेटा है, लेकिन ये सब कुछ सच छुपाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम बड़ी बिल्कुल बेबस होकर रह गई है, क्योंकि फरीद यही कहेगा अपनी बीवी सायरा से कि मुझे अब किसी माँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 साल में माँ और बाप की मोहब्बत के लिए तरसा हूँ, अब मुझे खावर सच्चा बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, उन्होंने गाड़ी भी दी है मुझे, यानी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया है और वो यही कहेगा सायरा से मुझे अब किसी माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जुनेद है वो इशर के पास आएगा और इशर से यही बात करेगा कि इशर असल हकीकत क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि चचा सच कह रहे हैं, जिसके बाद इशर यही कहेगी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी इशर और जुनेद कुछ ना हकीकत वाजह करके ही रहेंगे। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन खुद भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे जो कुछ भी अब हो चुका है, यानी रुखसाना बेगम जो कुछ उल्टा वार चल रही थी लेकिन उन पे ही वो सब कुछ वार आके गिर चुके हैं, जिसके बाद इशर के वालिद अपने आप को सेफ रखने के लिए नसीम को भी फ़ोन करेंगे और उससे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें गाड़ी भेज रहा हूँ, कुछ देर में अपना फ्लैट सामान बोरे बिस्तरा बांधो और यहाँ तुम कहीं दूर चली जाओ। यानी वही अचानक वहाँ पर जुनेद भी आ जाएगा। जुनेद और इशर पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि असल खानी है क्या, यानी इशर यही सोच रही है कि उसके वालिद सच कह रहे हैं या फिर रुखसाना बेगम उसकी ताई अम्मी सच कह रही हैं। दोनों बड़ी कश्मकश में आ गए इशर और जुनेद और तहकीकात पूरी पूरी कर रहे हैं। जब जुनेद वहाँ पर जाएगा नसीम आंटी के घर पे उनसे मालूम करने के लिए, तो वो फ़ोन पे बात कर रही होंगी इशर के वालिद से और वो यही कहेंगी कि मैं रुखसाना नहीं हूँ जो आपकी धमकियों में आ जाऊँ, लेकिन इशर के वालिद उनको कोई ना कोई बड़ी ऑफर करवाएंगे जिसकी वजह से मजबूरी में उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशर की वालदा भी बड़ी परेशान सी हो गई हैं। वो यही सोच रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और असल कहानी, असल हकीकत, असल सच है क्या जो कुछ छुपाया जा रहा है। यानी वो इशर के वालिद से बात करती हैं, जिसके बाद इशर के वालिद यही कहेंगे कि इशर हमारी बेटी है और जुनेद हमारे घर का दामाद है,
जिसके बाद इशल के वालदा यही कहेंगी। तो फिर फरीद क्या है हमारा, फरीद किस नाते से हमारे पे इस तरह से हो रहा है, आप इतना क्यों उसको कर रहे हैं, जिसके बाद यही कहेंगे इशल के वालिद वो मेरा भतीजा है। लेकिन इशल की वालदा जो है वो एकदम फौरन बोलेंगी कि भतीजा नहीं, सच बोलें कि आपका वो बेटा है। ये बात सुन के इशल के वालिद के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी खावर के एकदम हैरान परेशान से होकर वो देखने लग जाएगा, क्योंकि सच यही है फरीद जो है वो इशल के वालिद का ही बेनी खावर का ही बेटा है, लेकिन ये सब कुछ सच छुपाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम बड़ी बिल्कुल बेबस होकर रह गई है, क्योंकि फरीद यही कहेगा अपनी बीवी सायरा से कि मुझे अब किसी माँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 साल में माँ और बाप की मोहब्बत के लिए तरसा हूँ, अब मुझे खावर सच्चा बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, उन्होंने गाड़ी भी दी है मुझे, यानी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया है और वो यही कहेगा सायरा से मुझे अब किसी माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जुनेद है वो इशर के पास आएगा, उस इशर से यही बात करेगा कि इशर असल हकीकत क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि चचा सच कह रहे हैं, जिसके बाद इशर यही कहेगी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी इशर और जुनेद कुछ ना हकीकत वाजह करके ही रहेंगे। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन खुद भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे जो कुछ भी अब हो चुका है, यानी रुखसाना बेगम जो कुछ उल्टा वार चल रही थी, लेकिन उन पे ही वो सब कुछ वार आके गिर चुके हैं, जिसके बाद इशर के वालिद अपने आप को सेफ रखने के लिए नसीम को भी फ़ोन करेंगे और उससे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें गाड़ी भेज रहा हूँ, कुछ देर में अपना फ्लैट सामान बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ तुम कहीं दूर चली जाओ। यानी वही अचानक वहाँ पर जुनेद भी आ जाएगा। जुनेद और इशर पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि असल कहानी है क्या, यानी इशर यही सोच रहे हैं कि उसके वालिद सच कह रहे हैं या फिर रुखसाना बेगम उसकी ताई अम्मी सच कह रही हैं। दोनों बड़ी कश्मकश में आ गए इशल और जुनेद, और तहकीकात पूरी कर रहे हैं। जब जुनेद वहाँ पर जाएगा नसीम आंटी के घर पे उनसे मालूम करने के लिए, तो वो फ़ोन पे बात कर रही होंगी इशल के वालिद से और वो यही कहेंगी कि मैं रुखसाना नहीं हूँ जो आपकी धमकियों में आ जाऊँ। लेकिन इशल के वालिद उनको कोई ना कोई बड़ी ऑफर करवाएंगे, जिसकी वजह से मजबूरी में उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशर की वालदा भी बड़ी परेशान सी हो गई है, वो यही सोच रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है और असल कहानी असल हकीकत असल सच है क्या जो कुछ छुपाया जा रहा है। यानी वो इशर के वालिद से बात करती है, जिसके बाद इशर के वालिद यही कहेंगे कि इशर हमारी बेटी है और जुनेद हमारे घर का दामाद है, जिसके बाद इशर के वालदा यही कहेंगी। तो फिर फरीद क्या है हमारा, फरीद किस नाते से हमारे पे इस तरह से हो रहा है, आप इतना क्यों उसको कर रहे हैं, जिसके बाद यही कहेंगे इशर के वालिद वो मेरा भतीजा है। लेकिन इशर की वालदा जो है वो एकदम फौरन बोलेंगी कि भतीजा नहीं, सच बोलें कि आपका वो बेटा है। ये बात सुन के इशर के वालिद के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी खावर के एकदम हैरान परेशान से होकर वो देखने लग जाएगा, क्योंकि सच यही है फरीद जो है वो इशर के वालिद का ही बेनी खावर का ही बेटा है, लेकिन ये सब कुछ सच छुपाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम बड़ी बिल्कुल बेबस होकर रह गई है, क्योंकि फरीद यही कहेगा अपनी बीवी सायरा से कि मुझे अब किसी माँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 साल में माँ और बाप की मोहब्बत के लिए तरसा हूँ, अब मुझे खावर सच्चा बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, उन्होंने गाड़ी भी दी है मुझे, यानी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया है और वो यही कहेगा सायरा से मुझे अब किसी माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जुनेद है वो इशर के पास आएगा, उस इशर से यही बात करेगा कि इशर असल हकीकत क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि चचा सच कह रहे हैं, जिसके बाद इशर यही कहेगी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी इशर और जुनेद कुछ ना हकीकत वाजह करके ही रहेंगे। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे जो कुछ भी अब हो चुका है, यानी रुखसाना बेगम जो कुछ उल्टा वार चल रही थी लेकिन उन पे ही वो सब कुछ वार आके गिर चुके हैं, जिसके बाद ईशर के वालिद अपने आप को सेफ रखने के लिए नसीम को भी फ़ोन करेंगे और उससे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें गाड़ी भेज रहा हूँ, कुछ देर में अपना फ्लैट सामान बोरे बिस्तरा बांधो और यहाँ तुम कहीं दूर चली जाओ। यानी वही अचानक वहाँ पर जुनेद भी आ जाएगा। जुनेद और ईशर पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि असल खानी है क्या, यानी ईशर यही सोच रही है कि उसके वालिद सच कह रहे हैं या फिर रुखसाना बेगम उसकी ताई अम्मी सच कह रही हैं। दोनों बड़ी कश्मकश में आ गए ईशल और जुनेद और तहकीकात पूरी पूरी कर रहे हैं। जब जुनेद वहाँ पर जाएगा नसीम आंटी के घर पे उनसे मालूम करने के लिए, तो वो फ़ोन पे बात कर रही होंगी ईशल के वालिद से और वो यही कहेंगी कि मैं रुखसाना नहीं हूँ जो आपकी धमकियों में आ जाऊँ, लेकिन ईशल के वालिद उनको कोई ना कोई बड़ी ऑफर करवाएंगे जिसकी वजह से मजबूरी में उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि ईशर की वालदा भी बड़ी परेशान सी हो गई है। वो यही सोच रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है और असल कहानी, असल हकीकत, असल सच है क्या जो कुछ छुपाया जा रहा है। यानी वो ईशर के वालिद से बात करती है, जिसके बाद ईशर के वालिद यही कहेंगे कि ईशर हमारी बेटी है और जुनैद हमारे घर का दामाद है, जिसके बाद ईशर के वालदा यही कहेंगी तो फिर फरीद क्या है हमारा, फरीद किस नाते से हमारे इस तरह से हो रहा है, आप इतना क्यों उसको कर रहे हैं, जिसके बाद यही कहेंगे ईशर के वालिद वो मेरा भतीजा है। लेकिन ईशर की वालदा जो है वो एकदम फौरन बोलेंगी कि भतीजा नहीं, सच बोलें कि आपका वो बेटा है। ये बात सुन के ईशर के वालिद के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो नहीं खावर के एकदम हैरान परेशान से होकर वो देखने लग जाएगा, क्योंकि सच यही है फरीद जो है वो ईशर के वालिद का ही बेनी खावर का ही बेटा है, लेकिन ये सब कुछ सच छुपाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम बड़ी बिल्कुल बेबस होकर रह गई है, क्योंकि फरीद यही कहेगा अपनी बीवी सायरा से कि मुझे अब किसी माँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 साल में माँ और बाप की मोहब्बत के लिए तरसा हूँ, अब मुझे खावर सच्चा बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, उन्होंने गाड़ी भी दी है मुझे, यानी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया है। वो यही कहेगा सायरा से मुझे अब किसी माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जुनेद है वो ईशर के पास आएगा, ईशर से यही बात करेगा कि ईशर असल हकीकत क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि चचा सच कह रहे हैं, जिसके बाद ईशर यही कहेगी कि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी ईशर और जुनेद कुछ ना हकीकत वाजह करके ही रहेंगे। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय साथ कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो बनाकर सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।